पाकिस्तान में भी देर नहीं, क्योंकि पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, सीमा पर तोपे लगा दी, टैंके लगा दी, सेना बिछा दी, उसको लगा मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक में। मगर हमारे मोदी जी भी 56 इंच की छाती वाला आदमी, 56 इंच, इन्होंने टैंके तोपे सेना बिछा दी। मोदी जी ने हवाई सेना को, वायु सेना को हुक्म दिया और हमारे विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के फुर्जे फुर्जे उड़ा कर यहां जालौर वालों बताओ ये ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया? आप कह रहे हो ठीक किया। उस दिन पूरे देश के अंदर उत्साह, फटाके जलने लगे, मिठाइयां बटने लगी, जवानों के चित्र पर फूलमालाएं लगाने लगे। मगर दो जगह मातम था, दो जगह, एक तो पाकिस्तान में मातम था और दूसरा ये राहुल बाबा एंड कंपनी के कार्यालय में मातम। छात्या पीट पीट कर रो रहे, उनके चेहरे का नूर गायब। मुझे समझ नहीं आया, आतंकवादी तो पाकिस्तान के मरे, आपके चेहरे का नूर क्यों गायब हो गया? क्या ममेरे चचेरे भाई लगते हैं क्या? ये श्याम पित्रोड़ा राहुल बाबा के गुरु तो वहां से दो कदम आगे गए। इन्होंने कहा कि ये 4-5 लड़कों ने गलती की, आपने बम क्यों गिराए, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। जालौर वालों बताओ, 40 जवानों को मार दे उसके साथ बातचीत करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? बम गिराने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी की पॉलिसी आपको मुबारक, आप इलू इलू करो आतंकवादियों से, इलू इलू करो। हम नहीं करते, हमारी नीति स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है, वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मित्रों, कश्मीर के अंदर इनके साथी कहते हैं कि दूसरा प्रधानमंत्री हूं, एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? ये चाहते हैं कि कश्मीर देश से अलग हो जाए। मुझे बताओ मित्रों, कश्मीर देश से अलग होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, फिर से बनने वाले हैं। कभी भी हम सत्ता में न रहे तो भी, हम सत्ता में न रहे तो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के तन में प्राण है, तब तक हिंदुस्तान से कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा, भारत माता का मुकुट मणि, इससे हमें कोई छीन। मित्रों, ये चुनाव देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का चुनाव, ये चुनाव देश का सम्मान बढ़ाने, ये चुनाव शहीदों को उनका बदला लेने का चुनाव, ये चुनाव आतंकवादियों को सबक सिखाने का चुनाव, ये चुनाव पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का चुनाव। मुझे बताओ, मोदी जी के अलावे आतंकवादियों को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? पाकिस्तान को कोई सबक सिखा सकता है क्या? तो आपको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? आगे आओ देव जी भाई, अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो देव जी पटेल के कमल के निशान पर मोहर लगानी पड़ेगी। बताओ जालौर वालों, लगाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देव जी भाई को रिकॉर्ड मतों से जिताओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे?